नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एससी एसटी एक्ट के खिलाफ दिनों दिन आवाजें बुलंद होती चली आ रही हैं। वही जनपद के ब्राह्मण विकास परिषद ने एसएसटी एक्ट के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस बाबत जानकारी देते हुए ब्राह्मण विकास परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर पंकज उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार जो एससी एसटी एक्ट जैसा काला कानून लागू कर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इस कानून का केवल और केवल दुरुपयोग होगा और बेवजह निर्दोष लोग इस कानून में फंसेंगे। आज के आधुनिक युग में समाज में जात पात की भावना खत्म हो चुकी है, लेकिन इस एक्ट से दलितों और सौणों में और दूरी पैदा कर दिया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। वही नगर उपाध्यक्ष रविश तिवारी ने कहा कि एससी एसटी एक्ट के संविधान की मूल भावना समानता के अधिकार को ही चोट पहुंचाता है। यह एक्ट सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम कर रहा है। आज आप लोगों ने, हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जो केंद्र सरकार ने एससी एसटी एक्ट जो लागू कर रही है इसके खिलाफ ये काला कानून है, बिल्कुल छुपा जा रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन किया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति तक जाए, इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। क्या दुश्वारियाँ समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ निर्विरोध जो निर्दोष लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। ये जो निर्दोष रहेंगे उनके ये गलत तरीके से उनको परिणत किया जाएगा ये धारा लगा। यह एक्ट जो संविधान की मूल भावना, जो संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, संविधान की मूल भावना को यह चोट पहुंचा रहा है यह एक्ट। और यह एक्ट कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक समरसता है उसको चोट पहुंचाने का काम करेगा और समाज में जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं उनको और बढ़ाने का काम करेगा। एक ऐसी भावना, एक सामाजिक जो समरसता है उसको तोड़ने का काम यह कर रहा है।